नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस लड़ाई में भारत को अब सऊदी अरब का साथ मिला है। जी हां, वही सऊदी अरब जो कभी पाकिस्तान का तरफदार हुआ करता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद रॉ को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मदद मिलेगी। जो लड़ाई लगातार भारत आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी मदद ये समझौता करेगा। आपको बता दें, सऊदी अरब और भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और सऊदी अरब के बीच एक ये ऐतिहासिक समझौता है। इस समझौते के बाद रॉ को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले ही इस समझौते को सऊदी अरब की कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई थी। इस समझौते के बाद सऊदी अरब आतंकवाद की लड़ाई में खाड़ी देशों में भारत का सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। आपको बता दें, सऊदी अरब की कैबिनेट की तरफ से जो मंजूरी दी गई है, उससे जुड़ा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। इस बयान के मुताबिक सऊदी सुरक्षा एजेंसी रॉ के साथ मिलकर आतंकवादी घटनाओं और आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक दम पर लगाम कसने की दिशा में काम करेगी। सऊदी गजट की तरफ से इस पूरे समझौते के बारे में आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी गई है, इस गजट के मुताबिक देश की कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान ने की थी, उसमें इस समझौते को मंजूरी मिली है। ये मीटिंग अल सलाम पैलेस में पिछले कुछ दिनों में हुई थी और उसमें ही इस समझौते को मंजूरी दी गई है। आपको ये बता दें कि पिछले ही दिनों भारत के नए राजदूत सुहेल एजाज खान ने सऊदी अरब के गृह मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद ही सऊदी अरब का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने ये कहा है कि स्वागत समारोह के दौरान आम हित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये तमाम जो जानकारी सामने आई है कि सऊदी अरब की ओर से ही साझा की गई है। आपको बता दें कि ये समझौता जहां एक भारत और सऊदी अरब यानी दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी ऐतिहासिक है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर खामोशी छाई हुई है। दरअसल इस खामोशी की वजह बिल्कुल साफ है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसकी मदद के लिए सऊदी अरब जैसे देश ही आगे आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का मददगार देश सऊदी और भारत के बीच ये ऐतिहासिक डील हुई है, जो न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है बल्कि एक तरीके से पाकिस्तान के भी खिलाफ है। इस डील ने आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले पर जो पाकिस्तान के विशेषज्ञ हैं, उनकी राय सामने आई है। उन्होंने सऊदी और भारत के बीच इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है, लेकिन इसी के साथ ये बता दिया है कि भारत जिस तरह से सऊदी अरब के साथ डील कर रहा है, ये बताता है कि खाड़ी के मुसलमान देशों के बीच पाकिस्तान की अब ज्यादा हैसियत बची नहीं है। जिस तरीके से लगातार फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे फिर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज हो, वो भारत के साथ व्यापार कर रही हैं, भारत के साथ समझौते हो रहे हैं, तमाम ट्रेड चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। उनका ये भी कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई मसले हैं, मगर इनमें अलग भारत हमेशा कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोषी करार देता रहा है। देश में मौजूद आतंकी संगठनों पर हमेशा भारत का सख्त रुख रहता है, ये पाकिस्तानी विशेषज्ञों की राय है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ऐसे में भारत और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा ये कहता आया है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के कई आतंकवादी मौजूद हैं, ऐसे में ये डील वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो ये भी मानते हैं कि इसका मतलब यही हुआ कि भारत और सऊदी अरब अब आतंकवाद के मामले में एक ही दिशा में सोच रहे हैं, यानी
ये साफ तौर पर पाकिस्तानी विशेषज्ञों की जो राय सामने आई है उनकी चिंता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि सऊदी अरब और भारत के बीच जो ये डील हुई है, जो भारत की खुफिया एजेंसी रो के बीच जो समझौता सऊदी अरब ने किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता है, इस लिहाज से कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है। और चूंकि सऊदी अरब में कुछ आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, ये भारत की ओर से कई बात कहा गया, ये दावा पाकिस्तानी विशेषज्ञों की ओर से किया गया, बावजूद इसके सऊदी अरब जो है भारत के साथ, भारत की जो खुफिया एजेंसी है रो के साथ ये समझौता कर रहा है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए ये ऐतिहासिक समझौता मुसीबत का सबब बनने जा रहा है, ये कम से कम पाकिस्तानी विशेषज्ञ मान रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने ये भी याद दिलाया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता भी है। पाकिस्तान के हजारों मिलिट्री ऑफिसर्स जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड दोनों ही शामिल हैं अभी तक सऊदी अरब में हैं, साथ ही सऊदी की सेनाओं के साथ एक ट्रेनिंग समझौता भी है। ऐसे में ये समझौता पाकिस्तान के लिए टेंशन की एक बड़ी वजह है। जानकारों के मुताबिक इससे समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। सऊदी अरब के साथ आना ये बताता है कि खाड़ी के मुसलमान देशों के बीच आपकी अब ज्यादा हैसियत बची नहीं है, ये उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि कश्मीर पर अभी तक पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिली है और इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 को हुई जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। उस समय भी सऊदी अरब समेत मुसलमान देशों ने पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दी। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं ये पाकिस्तान के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से कही गई है। ये डील ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आर्थिक मदद की जरूरत है, यानी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आर्थिक मदद पाकिस्तान को चाहिए मुस्लिम कंट्रीज से, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक मुस्लिम देश है। तो ऐसे में अगर ये देश भी भारत के साथ चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को मदद कौन करेगा? आखिर पाकिस्तान जो कंगाली में लगातार जी रहा है, किस तरीके से वहां महंगाई से हाहाकार है, उस पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका उसी के ही जो मददगार देश हैं सऊदी अरब उसने दिया है। चूंकि ये भारत के साथ सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी डील हुई है, रो जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है उसके साथ सऊदी अरब ने ये समझौता किया है जो कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता है। और सऊदी अरब इससे पहले भी ये कह चुका है कि भारत के साथ जो उसके रिश्ते हैं उसे वो सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं उस बयान का असर ये देखने को मिला है, ये बहुत बड़ी डील भारत और सऊदी अरब के बीच हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।